इस मॉर्निंग मेरा फर्स्ट टाइम राइड है। अच्छा बेटा, तो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं हैदराबाद के बाहर और एक प्यारा सोरा सनराइज यहाँ से इन 122। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट एंड फाइन। तो गाइस, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग सभी को, क्योंकि अभी मॉर्निंग के 6 बज रहे हैं। मालूम नहीं आप ये ब्लॉग कब देख रहे होंगे। तो हम लोग जा रहे हैं लॉन्ग राइड पे और साथ में आज 3 बाइक है और 3 ही लोग हैं हम लोग। तो विनय का बाइक है 220, देन इस तरफ अपना एमटी खड़ा है जो कि गर्म हो रहा है अभी, और राहुल तो सामने खड़ा है B3 लेके। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमें जाना तो दूर ही है, तो आज स्पीड रेस सब कुछ होगा। सो लेट्स गो। इस मॉर्निंग मेरा फर्स्ट टाइम राइड है ये, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो राहुल और विनय सामने चल रहे हैं पूरा फ्लैशर जला के, और लिटरली मैं अपना 180 को ना बहुत मिस कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें फ्लैशर थे तो मैंने फ्लैशर जो है उसी में छोड़ दिए। तो ये है B3, देन उसके बाद है 220, और अपने पास है MT। ये हमारा राइड जो है ना मिनिमम 80 किलोमीटर होने वाला है। एक बहुत अच्छा प्लेस पर जा रहे हैं हम लोग, थोड़ा तो ट्रैकिंग वगैरह भी करेंगे। तो पेट्रोल फिल करते हैं पहले, सबसे पहले तो मैं B3 देखो, फुल मॉडिफाई है इसका, अलग से ब्लॉग आएगा, रेडी है ब्लॉग भी, वो भी बहुत जल्दी आने वाला है। तो पूरा ब्लैक ब्लैक बना रखा है इसने इसको। पेट्रोल हो गया पूरा फिल, अब देख सकते हो पूरा एक भी मतलब जो इसका डंडा है ना वो खाली नहीं बचा हुआ है। तो मॉर्निंग में हम लोग अभी निकल जाएंगे, ट्रैफिक नहीं है ना, तो थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा है, इसलिए हम लोग डिसाइड किया कि मॉर्निंग में निकलेंगे जल्दी से। तो आराम से हम लोग निकल जाएंगे। ये पूरा बसेस जा रहा है अभी, पूरा मुंबई पुणे ये सब बसेस हैं। और एक बात और, अभी देखते देखते सुबह होना जो है स्टार्ट हो गया, और हवा तो इतना अच्छा चल रहा है ना मॉर्निंग में, मतलब ठंडा लग रहा है, इसलिए मैंने जैकेट पूरा पहन लिया। तो अच्छा हुआ एक जैकेट पहन के आया था मैं। ओ गई सच में ये मेरा बहुत दिल दुखा रहे दोनों फ्लैशर ऑन करके, मैं भी लगा लूँगा फ्लैशर अभी, मुझे जरूरत है और बहुत जरूरत है। हवा नहीं है, देखो क्या बोल रहा है गाइस, हवा नहीं है, ये नहीं है, कभी बोल रहा है आगे नहीं है, कभी पीछे नहीं है, बहाने लगा रहा है। आ गया मूड में, आ गया भाई, आ गया लड़का मूड में, खाली बोलते ही। और मेरा हेलमेट ना उड़ जाए, बस GoPro ना उड़ जाए, और गाड़ी गई 50 गियर में 100। MT में पावर तो है, नेक्स्ट लेवल पावर है इसमें, उड़ा देती है बंदे को ये गाड़ी। अच्छा बेटा, प्यारा सा कॉर्नर और पूरा लीन करके, तो 220 का भेड़ बहुत जा रहा है, ड्रिफ्ट संभालना में भी थोड़ा मुश्किल हो जाती है। मेरा हेलमेट क्यों उड़ जा रहा है आज, मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई। जैकेट का कैप निकालना पड़ेगा लग रहा है, थोड़ा साइड में लगाता हूँ भाई, मेरा प्रेशर कम है। स्टॉप योर व्हाट भाई, मेरा हेलमेट उड़ जा रहा है, ये जैकेट का कैप निकालना पड़ेगा, पीछे से हवा जा रहा है इसमें घुस रहा है, पूरा हेलमेट आगे आ जा रहा है। तो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं हैदराबाद के बाहर, और एक प्यारा सोरा सनराइज यहाँ से, मतलब मेरी लेफ्ट साइड से हो रहा है सनराइज। तो ये है हमारा हैदराबाद का लास्ट वाला सर्कल, इसके बाद हम लोग सिटी से बाहर हो जाएंगे। देन यहाँ पे रुकते हैं, देखो कितना अच्छा व्यू आ रहा है, यहाँ पे रुक के फोटोज निकालेंगे। रोड भी खाली है, तो ट्राई करता हूँ एक बिली देने का, अब भी दे दूंगा यहीं पे दे दूंगा। ये गया फर्स्ट गियर में गाड़ी, दैट पावर भी MT। तो एक और बिली दूंगा मैं, क्योंकि रोड पूरा खाली है, ये कुछ है नहीं, और प्यारा सा सनराइज हो रहा है जैसे कि आपने देखा। तो अभी एक और बिल्ली देता हूँ, गाइस अपना फर्स्ट जो स्टॉप था वो रेडी डन हो गया, मतलब अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। तो बिलीज वगैरह जो भी लगाया आपने देखा होगा, और बाकी का जो भी है मैं इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा, तो जाके चेक कर लेना आप वहाँ से। तो देन अभी हम लोग निकलते हैं यहाँ से, और ये राहुल वगैरह भी फोटो शूट कर रहे हैं, उनका भी फोटो शूट हो गया, तो चलो निकलते हैं। अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, देन यहाँ से 40 किलोमीटर और बाकी है। सो मज़ा आया, मतलब
नेक्स्ट लेवल मजा। और ये मॉर्निंग राइड अभी तक तो बहुत अच्छा जा रहा है। तो गाइज अभी हाईवे हो गया ख़त्म और हमने ले लिया एक लिंक रोड। देन अभी मैं चला रहा हूँ अपना B3, आई मीन अपना नहीं अपना ही है समझो, बट मेरा पहला प्यार है B3, जो कि मैं चला रहा हूँ, मतलब जब मैं छोटा था ना तब से सोचता था B3। मेरे को R15 का जो भी सीरीज है ना, ये R15S था, R15 फिर B2 आया तो बहुत पसंद था। देन उसके बाद आया B3, तो B3 तो मेरे को और भी पसंद हो गया था उसके बाद में। और भाई चला रहा है 220, उसका मूड पूरा हो गया 220 चला के, मज़ा नहीं आ रहा है उसको। क्या हुआ ब्रेक देने ले रहा है MT, और मैं ले लिया थोड़ी देर के लिए B3, दे दूंगा अभी थोड़ी देर में, थोड़ा मज़ा लेता हूँ इसको चलाने का। वैसे तो सिटी में बहुत चलाता हूँ इसको। 122 बूम हो जा रही है ये बाइक तो, पांचवें गियर में भी है इसमें, MT से ज़्यादा है इसमें, टॉप एंड बहुत ज़्यादा है इसका। अगर आप खेलते हो इन दोनों बाइक में 115-120 के बीच खेलोगे तो दोनों सही है, बट 120 के बाद ये निकल जाती है गाड़ी। जो फील है ना इस टाइम वो तो अलग ही है अभी, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं फॉरेस्ट के बीच में, मतलब बहुत दिनों बाद गाँव से आने के बाद मैं फर्स्ट टाइम ऐसा जगह देख रहा हूँ, और लैंडस्केप टाइप है पूरा। जो ये हिल्स दिख रहा है ना, इसके आसपास में जाना है हमें, देन उसके बाद करेंगे हम लोग ट्रैक, क्योंकि ये जो हिल्स है ना इसके बीच में एक मतलब वाटरफॉल भी है, नदी टाइप है एक छोटा सा। पैर घुस गया अंदर, धक्का देखो भाई, कपड़ा गंदा हो जाएगा तेरा भी भाई, तो वीडियो बना ले, हट जा पीछे, हट पीछे लू क्या ना। 1 2 3 स्टार्ट, फाइनली निकल गया, टायर घुस गया था इसका अंदर, ये लोग तो रोक दिया बाइक यहाँ पे, मैं रह गया था थोड़ा पीछे, तो इसको भी खड़ा कर देते हैं। अच्छा हूँ मैं। गाइज ये राहुल चल रहा है आगे, तो अभी हम लोग पहुंचने के बाद अभी नीचे उतर रहे हैं, और पानी का साउंड तो आ रहा है हल्का हल्का, देखते हैं कितना पानी है नीचे जाके। बारिश तो नहीं हुआ 2-3 दिन से, पर फिर भी साउंड तो आ रहा है, अच्छा साउंड आ रहा है। तो अभी नीचे उतर रहे हैं, फिर नीचे जाके दिखाता हूँ आपको कैसा सीन। अरे नीचे देख के चलना पड़ रहा है, इसलिए मैं नीचे देख रहा हूँ ज़्यादा। तो अभी कैसा है रे गाइज, नीचे उतरने के बाद ना पानी तो है, अब देख सकते हो पानी है, पर पानी थोड़ा कम है, बट अच्छा है। ये पूरा जंगल के बीच में है एक नदी, देखो पानी आ रहा हल्का हल्का, थोड़ा पानी और ज़्यादा होना चाहिए, अगर बारिश होता तो पानी अच्छा खासा होता। और ये है एक सामने प्यारा सा वाटरफॉल, यहाँ पे पानी पूरा क्लियर दिख रहा है एंड वाइट दिख रहा है पूरा, और राहुल निकाल रहा है यहाँ पे सिनेमैटिक शॉट। तो अभी थोड़ा और घूमेंगे ऊपर जाके, देखते हैं ऊपर जाके में भी और भी वाटरफॉल हमें देखने के लिए मिले। तो गाइज अभी हम लोग जो है ना और भी थोड़ा ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि एक वाटरफॉल मिला था हमें, तो थोड़ा ऊपर जाके देखते हैं अगर और भी वाटरफॉल देखने के लिए मिल रहा है तो दिखाता हूँ। Thank you.
ब्लॉग हो गया पूरा कंप्लीट, क्योंकि हम लोग आधा किलोमीटर तक ऊपर गए थे, पर इतना कुछ नहीं है ऊपर दिखाने के लिए, इसलिए ज़्यादा शूट नहीं किया। स्लोमो वगैरह निकाले जो कि आपने देख लिए होंगे ऑलरेडी। तो अभी टाइम हो रहा है 12:30, एक बज गया है, तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि सुबह आए थे 5-6 बजे, ऑलमोस्ट 6-7 घंटा हो गया हमें। तो आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। जल्दी मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए स्टे अगेन से, टेक केयर, बाय बाय।